नमस्कार। मंगलूर विश्वविद्यालय के प्रथम बीएससी द्वितीय सेमेस्टर हिंदी भाषा कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना प्रभु, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग केनरा कॉलेज मंगलुरु, आपके सामने दीक्षांत उपन्यास का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करती हूँ। सूर्य बालाजी से लिखित ये उपन्यास दीक्षांत का 6 भाग बनाया गया है। परिसर, यंत्रणा के कोण, चक्रव्यूह, प्रयाण, लोग और आलोक बिंदु। इसका मुख्य और नायक पात्र हैं डॉक्टर विद्याभूषण, बीए की परीक्षा में टॉपर, एमए में गोल्ड मेडलिस्ट तथा पीएचडी करने के बाद अध्यापक बने हुए हैं। इसकी नायिका उनकी पत्नी कुंती है। इन दोनों के अलावा यहाँ कई पात्र हैं, जैसे प्रिंसिपल राजदान, उनकी पत्नी संतोष राजदान यानी तोशी, शर्मा सर के सहयोगी डिसोजा यादव गायतुंडे, चंद्रबान सिंह, इसके साथ मिसेज सबरवाल, मिसेज रीना सूरी, मिसेज मोना चौधरी, जया श्रीवास्तव आदि पात्रों का भी उल्लेख मिलता है। कुछ पात्र यहाँ ऐसे भी हैं जैसे कि शर्मा सर के बेटे विनय भूषण और विमल भूषण, विद्यार्थी रत्न बरुआ, विजेंद्र, शशांक, मनोज, सभी पात्र कहानी के विकास में बराबर सहयोग देते रहते हैं। सूर्य बालाजी से लिखित उपन्यास दीक्षांत में पहला भाग है परिसर। इसका आरंभ उस दिन से होता है जब शर्मा सर कॉलेज में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए तो अपनी आंखों में भविष्य के सपने संजोए कठिन साधना से अर्जित अपने ज्ञान का सर्वस्व अपने विद्यार्थियों अथवा भारत के भविष्य को सौंप देने की आकांक्षा से प्रेरित होकर ठक्कर महाविद्यालय में आए थे। परंतु उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि प्रशासन की दृष्टि में वह जूनियर कॉलेज में नियुक्ति के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं तथा सीनियर कॉलेज का पद अन्य व्यक्ति को दिया जा चुका है। उपन्यास के आरंभ में लेखिका ने शर्मा सर का कॉलेज का एक दिन का अनुभव चित्रण किया है। उस दिन शर्मा जी जब कॉलेज पहुंचे तो किसी रतन बरुआ की गाड़ी से उछाले कीचड़ को साफ करने में लगे। तभी घंटी बज गई और वे क्लास की तरफ लपके देखा कि उनके आगे हिस्ट्री के यादव सर जा रहे थे। कैसे भी आते जाते लड़कों के बीच से रास्ता बनाते हुए वे क्लास पहुंचे। हिंदी के पद्य भारती की चौथी कविता पढ़ाने लगे तो लड़कों ने शोर मचाना शुरू किया। लड़कों का शोर बढ़ता गया और अचानक बर्दाश्त के बाहर हुआ तो चिल्लाने वाले लड़कों को उन्होंने क्लास से बाहर डाला। शिकायत करने की ठानी मगर उन्हें पता था कि कॉलेज में ये आजकल आम बात हो गई थी कि कोई भी अध्यापक क्लास में लाख शोर मचाने और बेइज्जत होने पर भी सुपरवाइजर और प्रिंसिपल के सामने यही कहते नजर आते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि एक दिन बंसल सर के बाद उसी क्लासरूम में जब शर्मा सर लेक्चर लेने के लिए गए तो मुड़े हुए कागजों, तमाम गोले, चौक के अनगिनत फेंके हुए टुकड़े उन्हें देखने को मिले। वे चुप रहने के लिए मजबूर हो जाते क्योंकि उनकी एक दयनीय लालसा बल्कि एक हठीला सपना कि शायद इस साल परमानेंट हो जाऊं उन्हें दबोच लेता था। दूसरा भाग है यंत्रणा के कोण। यहाँ शर्मा सर के परिवार और नौकरी के संदर्भ में आने वाले विचारों का अंकन है। शर्मा सर को लगता था कि इस साल प्रिंसिपल राजदान मैनेजिंग कमेटी में उनके नाम की पैरवी करेंगे, कुछ चमत्कार होगा। एक सपना सा जाग गया था कि उन्हें लग रहा था चमत्कार होगा ही और वे परमानेंट हो जाएंगे। घर में उनकी पत्नी कुंती, दो बेटे विनय भूषण और विमल भूषण भी उनके इस चमत्कार से खुश हैं। अचानक इन दृश्यों की कल्पना मात्र से वे खुद झेंप गए। उन्हें लगा कि जिस स्थिति की कल्पना में इतना दम है उसकी प्राप्ति कितनी राहत भरी होगी। उन्हें याद नहीं आता है कि कभी उन्होंने कोई शरारत की हो। आज भी कक्षा में कई परिश्रमी और अध्यावसायी विनयी और आज्ञाकारी लड़के भी हैं मगर बहुत कम। शर्मा सर अपने बचपन की यादों में यूं खो जाते हैं जैसे कि वर्तमान को भूल गए हो। बचपन में उन्हें सभी सराहते थे। मास्टर के बेटे होने के नाते सभी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित थे। उनके एकनिष्ठ ज्ञान में न कहीं हटता न टकराव। उन्हें पहली बार अपना आत्मविश्वास कब डिगा याद ही नहीं पड़ता, ना ही उन्हें परिस्थितियों ने कब जकड़ा याद आता है। उन्हें अपने पिता की वे बातें याद आती हैं कि परिस्थिति और वातावरण से समझौता बुरा नहीं, बुरी है
गिरगिट बनने की कोशिश, और सबसे बड़ी बात ये याद रखना, जो सच है उचित है। किसी भी परिस्थिति में अपने नफे नुकसान के लिए इन शब्दों से खिलवाड़ या अनाचार नहीं करना। समाज सच के सामने झुकता है, सच समाज के सामने नहीं। शर्मा सर के लिए नया परिसर सालों तक अजनबी ही रहा। विचित्र सी लगती इसकी गतिविधियां। आज शर्मा सर को जो चीज सबसे ज्यादा खटकती वह थी लड़कों के हाव भाव और कार व्यवहार में पनपती एक ठंडी तटस्थता, बल्कि अवज्ञा सी। ज्ञान विज्ञान संस्कृति शिष्टाचार और सबसे बढ़कर सांस्कृतिक राष्ट्रीय पर्व त्योहारों के प्रति जोश उमंग के स्थान पर एक निहायत लापरवाही, गैर जिम्मेदारना दृष्टिकोण आदि। शर्मा सर को लग रहा था कि वर्तमान समाज ज्यादा पढ़ लिख कर स्वार्थी और ज्यादा संकीर्ण होता जा रहा है, तथा आधुनिक होने का अर्थ मनुष्य के मूलभूत मूल्यों का मजाक बनाने से लिया जाने लगा है। इसलिए आज मनुष्य केवल भावनाहीन प्राणी होता जा रहा है। उन्हें महसूस होता है कि आज शहरी परिसर अनुशासनहीन बना हुआ है। अवज्ञा का भाव तीव्र गति से बढ़ रहा है। शिक्षा क्षेत्र में मजबूरी वशा अध्यापकी का पेशा अपनाने वाले या वालियां भावी पीढ़ी के संस्कार कहां तक सुधार पाएंगी। एक दिन शर्मा सर को डिसूजा नामक सहयोगी से पता चला कि कॉलेज में एक जगह खाली होने वाली है। डिसूजा ने उनको समझाया कि ये दुनिया संतों के काल की नहीं है, अपना अधिकार मांगना पड़ता है यहाँ। कम से कम अपनी बीवी बच्चों के लिए थोड़े जोश के साथ छीनना और झपटना पड़ता है। प्रिंसिपल राजदान से बात करने की सोच पर ही शर्मा सर इतने खुश हुए कि जैसे उनको डिग्री कॉलेज में नौकरी मिली और वे अपने परिवार के साथ जो सपना देखते थे वह पूर्ण हो गया। तीसरा भाग है चक्रव्यूह। इस भाग में ये पता चलता है कि शर्मा सर की जिंदगी भी अचानक ऐसे चक्रव्यूह में घिरकर अपने आप उसके दबोचे में फंस जाते हैं। शर्मा सर जब प्रिंसिपल से मिले, उन्होंने जो सोचा था उसके विपरीत प्रिंसिपल ने उन्हें कुछ उल्टी बात सुनाई। कहा कि आप दुनिया भर की खबरें इकट्ठा करते हैं और इस तरह डिग्री कॉलेज होने वाली जगह का, खाली होने वाली जगह का सपना टूट जाता है। उनका जैसे सपना ही टूट ही गया। जहां वे ट्यूशन के लिए जाते थे वहां भी उन्हें कुछ परेशानी ही झेलनी पड़ी। प्रिंसिपल से प्रताड़ित होने के कारण वे थोड़ी देर के लिए परेशान हुए। नतीजा ये हुआ कि वे कक्षा में देर से पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे तुरंत प्रिंसिपल की तरफ से सूचना मिली कि भविष्य में सभी अध्यापक समय से ही कक्षा में पहुंचा करें। कक्षा में दूसरी समस्या निर्माण हुई। वह जो भी पाठ शुरू करते विद्यार्थी गुप्ता सर से पढ़ा जाने की बात करते। ये भी कहते कि वे रैपिड रीडर पढ़ाएं, लेकिन कई बच्चे रीडर लाए नहीं होते हैं। अंततः शर्मा सर ने कहा कि जो पढ़ना नहीं चाहते वे क्लास से बाहर निकले, तो देखते ही देखते सारा क्लास खाली हो गया। उनके सामने सिर्फ तीन विद्यार्थी थे, विजेंद्र, शशांक और मनोज। शर्मा सर अपमानित होकर क्लास से बाहर आए। कॉलेज के क्लास से घटित घटना आग की तरह यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। शर्मा सर नौकरी, परिवार और विद्यार्थियों के बीच चक्रव्यूह में फंसे जा रहे थे। आगे रतना बरुआ का भी अध्यापक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। वह एक दिन परीक्षा में नकल करना चाहता है, मगर रतन बरुआ जैसे विद्यार्थी आज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी परिस्थिति पर सूर्यबाला ने पाठकों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। यहाँ शर्मा सर उसे नकल करने से रोकते हैं। इसी तरह एक दिन शर्मा सर को प्रिंसिपल राजदान बुलाते हैं। उस समय शर्मा सर के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि राजदान साहब ने उन्हें क्यों बुलाया होगा, कहीं डिग्री क्लासेस लेने के लिए या कल के अफवाहों के कारण उनका मन अशांत हो गया। कैबिन में प्रिंसिपल राजदान ने जो कहा वह कुछ इस प्रकार था कि आपके मौजूदा सिचुएशन से कॉलेज खुश नहीं है। अक्सर आप पीएचडी का हवाला देकर ऊंची कक्षा में पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं। जूनियर कॉलेज के लिए हम अनट्रेड कैंडिडेट लेते ही नहीं। आपकी किसी बदमाश ग्रुप के साथ दुश्मनी चल रही है, इससे कॉलेज शिक्षक, प्रिंसिपल, विद्यार्थी सभी बदनाम होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आप सेकेंड टर्म तक या दो तीन महीने तक चलाइए, उसके बाद दूसरे कहीं पर नेक्स्ट ईयर तक पढ़ाने के लिए चले जाइए। यानी आपके प्रति मेरे मन में सहानुभूति है, आप सम्मानित आदर्शवादी उसूल वाले अध्यापक हैं,
आपके पास ऊंची क्वालिफिकेशन भी है किंतु मुझ पर मैनेजमेंट का प्रेशर है। शर्मा सर ने कहा कि वे अकेले नहीं हैं, उनका परिवार है, गांव में बूढ़ी माँ है, उनकी पत्नी, स्कूल जाने वाले बच्चे जो उन पर निर्भर हैं। इस बात पर राजदान साहब बोले कि आप बच्चों की तरह हरकत ना करें, दुनिया बड़ी है, लाइफ में स्ट्रगल तो होते ही रहते हैं, हमने आपको निकाला नहीं है, आप खुद रेजिग्नेशन दे दें, कहीं और कोशिश करें। शर्मा सर को ऐसा लगा कि उनके पीएचडी उन पर बोझ बनी हुई है। शर्मा सर इतना सब कुछ होने के बाद सोचने लगे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ नौकरी मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक नीचे कार का हॉर्न बजा। प्रिंसिपल राजदान ने शर्मा सर को कहा कि चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ता हूँ। जब राजदान शर्मा सर को उनके घर के पास कुछ ही दूरी में छोड़कर चले गए, शर्मा सर घर जाने के बजाय तबाही की ओर नशे में चुपचाप फुटपाथ पर चल रहे थे। रास्ते में मोहल्ले के लल्लन ने पूछा, मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने सिर्फ गर्दन हिलाई और अंधेरे में बढ़ते बढ़ते बेगम बुर्जी की तरफ पहुंचे। वे सोच रहे थे कि जिंदगी में हर कदम क्यों उन्होंने ठोकरें खाई हैं, खुद बेकसूर होकर भी सजा क्यों भोग रहे हैं। परिवार के प्रति उनका दायित्व, पत्नी बच्चे सबके प्रति जिम्मेदारी जो भी हो क्यों कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि वे कायर हैं, किंतु उसी समय एक दहशत भरी आवाज चीख उनके वजूद को चीरती हुई क्रौंदी। उनके शरीर का संतुलन बिगड़ा और कुछ ही पलों में सब खत्म हुआ। आसपास के दुकानदारों ने जब उन्हें नाले में गिरा देखा तो मछुआरों की मदद से बाहर निकाला। शर्मा सर 48 घंटे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पूरी बेहोशी में पड़े रहे। अस्पताल में कुंती के साथ विनय, विमल और शर्मा सर के तीन विद्यार्थी विजेंद्र, शशांक और मनोज थे। जब शर्मा सर को थोड़ा होश आया तो मौजूद इंस्पेक्टर ने कई प्रश्न उनको पूछे और ये जानने का प्रयत्न किया कि ये सब कैसे हुआ, क्या उन्हें किसी की धमकी में या दबाव के कारण ऐसा करना पड़ा। शर्मा सर ने केवल ना कहकर करवट बदल ली। राजदान साहब ने राहत की सांस ली और जब बाहर आए तब कुछ छात्रों ने मिलकर शर्मा सर के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने ढंग से जवाब देने का यत्न किया, किंतु छात्रों ने राजदान पर कई प्रकार के इल्जाम लगाए, किंतु अनदेखा करके वे तो चले गए। राजदान स्वयं पछता रहे थे, मगर मैनेजमेंट के सामने उनका बस नहीं था कि किसी एमएलए के भांजे को नौकरी देने के लिए शर्मा सर से उन्हें इस्तीफा लेना ही था। कॉलेज का ग्रांट रुका हुआ था और उसे एमएलए ने शुरू की थी। उनकी पत्नी तोशी को जब ये बात पता चली तो वह कहने लगी कि प्रिंसिपल को कोई दायित्व और अधिकार तो नहीं है, बेकार में ब्लड प्रेशर बढ़ाने से क्या लाभ, मनुष्य साधन मात्र है, कर्ता धर्ता कोई और है। उपन्यास के पांचवें भाग हैं प्रयाण। यहाँ दिखाया गया है कि अस्पताल में शर्मा सर की अर्धचेतना की अवस्था में उन्हें अपनी आंखों के सामने अतीत के दृश्य आने लगते हैं। माँ, पिताजी, अपना घर, आंगन, गाय कपिला, बैलगाड़ी भोलू आदि। जब पहली बार कुंती 11 साड़ियों के साथ ससुराल आई थी, कुंती पिताजी के मित्र की कन्या थी। गांव में एक ही चर्चा थी कि विद्याभूषण और कुंती का विवाह एक मणिकंचन योग है। बेहोशी में उन्हें लगता है कि श्री राम ने भी 14 वर्ष वनवास भोगा था, किंतु उनका ये वनवास कब खत्म होगा। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया, शर्मा सर का देहांत हो गया। अंतिम भागे लोग। इस भाग में सूर्य बालाजी ने शर्मा सर के मृत्यु के बाद कॉलेज के छात्रों में जो अध्यापकों में चर्चा आरंभ होती है उसका चित्रण किया है। विद्यार्थी प्रिंसिपल के सामने स्ट्राइक करना चाहते हैं, मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इस बहाने प्रिंसिपल को लताड़ने का सबको मौका मिल जाता है। स्टाफ रूम में लोग राजदान से कहने लगे कि अपने कॉलेज के को कसाई खाना बनाया है, आपने कॉलेज को कसाई खाना बनाया है। जब उन्होंने पूछा कि उनमें से कितने लोगों ने शर्मा सर का साथ दिया तो बीच में चंद्रभान सिंह को राजनीति निपुण जो हैं सबको कहते हैं उनसे कि अब ये बात व्यर्थ है और समय गंवाना नहीं चाहिए। कॉलेज के अध्यापक 4-4, 6-6 की झुंड में जा रहे थे। बहस के बाद ये तय हुआ कि शर्मा सर का शव कॉलेज के रास्ते से ही शमशान ले जाया जाएगा और कॉलेज के सामने श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रिंसिपल माला पहनाएंगे, फिर अगले दिन शोक सभा होगी। इस प्रकार बड़े ही नाटकीय ढंग से शव यात्रा निकलती है। उपन्यास का अंतिम भाग और है आलोक बिंदु। आरंभ में दिखाया गया है कि सब कुछ कैसे खत्म हो चुका था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे विजेंद्र और शशांक शर्मा सर के यहाँ गए। उनकी पत्नी कुंती सब सामान बांध चुकी थी।
शशांक ने रिक्शा बुलाया और उन्होंने रिक्शा वाले को रोडवेज बस स्टैंड की तरफ चलने के लिए कहा। विजेंद्र और शशांक ने कुंती से गांव तक चलने की बात की, किंतु कुंती ने सर हिला दिया, ना कह दिया। शर्मा सर का गांव आम हिंदुस्तानी गांव की तरह था। इतने में शशांक टिकट ले आया। उन्होंने कुंती को और बच्चों को संकेत करके कंडक्टर को समझाया। इतने में रिक्शा में विजेंद्र के पिताजी आए। उन्होंने कहा कि मैं मास्टर जी को जानता हूँ। उन्होंने कुंती को नमस्कार किया और कहा, मिडिल परीक्षा के बाद आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ये मेरे गुरु के पुत्र के लिए मेरी छोटी सी गुरु दक्षिणा होगी। इस बात को सुनकर कुंती उसी अवस्था में विस्मय भरी दृष्टि और उस सन्नाटे भटकती सी स्वप्न में सत्य का अंतर तलाशने लगी। इस प्रकार इस उपन्यास का जो निष्कर्ष निकलता है, जो सूर्य बालाजी ने लिखा है, इस उपन्यास के माध्यम से हमें यही दिखाया गया है कि शिक्षा क्षेत्र में आज कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। फैले भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है सूर्य बालाजी ने। इस क्षेत्र में स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। रतन बरुआ जैसे छात्र कॉलेज में पढ़ने के अलावा बदमाशी और गुंडागर्दी करते हैं और अपना और दूसरों का कीमती समय बर्बाद करते हैं। मिस्टर राजदान जैसे प्राचार्यों ने कॉलेज को अखाड़ा बनाया हुआ है। सच्चाई जानकर भी अंधे बनते हैं। ईमानदार आदर्शवादी शर्मा सर जैसों को साथ देने के बजाय उनके ऊपर कई प्रकार के इल्जाम लगाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शर्मा सर की आर्थिक स्थिति को अंकित करना उपन्यास का उद्देश्य भी लगता है। उपन्यास के सभी पात्र शहरी हैं, इस वजह से पात्रों पर तथा उनकी भाषा पर महानगरीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। सूर्य बालाजी ने इस उपन्यास के माध्यम से महानगर की कई समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है और उनको इसमें सफलता मिली है। एक तरफ उन्होंने ईमानदार, निष्ठावान, विनम्र और सच्चे व्यक्ति की यातना तथा अपने करुणतम लेकिन विश्वसनीय रूप में कथा उतारी है। वहीं दूसरी ओर शर्मा सर की आत्महत्या दिखाकर घुटन, पीड़ा और नैराश्य में जीते आज के व्यक्ति की हताशा भरी जिंदगी को सामने लाकर दर्शाया है। शर्मा सर की मृत्यु दिखाने का उनका मुख्य कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न स्थितियों के विडंबनाओं और विद्रूप को विभिन्न कोणों को अंकित करना भी था। सूर्य बालाजी का यह उपन्यास दीक्षांत एक मूल्य केंद्रित उपन्यास है। इसकी पूरी कहानी एकोन्मुख भाव से लक्ष्य प्रेरित है। ये उपन्यास अपने विवेचन विश्लेषण से नहीं बल्कि अपने सांवेगिक तीव्रता से पाठक को झंझोड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उपन्यास गहरी संवेदना, समर्पित निष्ठा एवं अत्यंत तन्मयता पूर्वक लिखा गया एक मर्मस्पर्शी उपन्यास है। विद्यार्थी मित्रों, मंगलुरु विश्वविद्यालय के प्रथम बीएससी द्वितीय सेमेस्टर का उपन्यास दीक्षांत का सार आपने अब तक सुना। आपसे विनती है कि घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।